सो गैस, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी टेक्निकल ECIL टेक्निकल ऑफिसर का रिक्वायरमेंट आया था। काफ़ी सारा वैकेंसी था, काफ़ी क्या मतलब था अच्छा खासा, और हर साल आती है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट बेसिस पे हर साल वो वैकेंसी होती है, ठीक है। जब भी इलेक्शन होता है कहीं तो वो वैकेंसी निकाल दिया जाता है। सो आप लोग जानते हैं कि कई सारे स्टेट में इलेक्शन है, सो इसके लेके काफ़ी ये उन्होंने रिक्वायरमेंट निकाला है। और बेसिकली इसमें क्या काम होता है सो मैं आप लोगों को बताऊँगा, और पिछले साल भी आई थी गैस, और ये और आने वाले समय में भी आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। सो इस वीडियो में टेक्निकल स्टूडेंट के लिए तो बात करूंगा, जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है मैं उसके लिए भी बात करूंगा कि उसका बेसिकली क्या काम होता है और टेक्निकल ऑफिसर का बेसिकली क्या काम होता है। जाहिर सी बात है, कोई कहीं भी जॉब आता है तो उनके बाद एक बच्चे के मन में जरूर डॉट बनता है, खास करके न्यू बच्चे के, उसमें क्या काम करवाया जाता है यार, क्या काम होता है बेसिकली, ठीक है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा, ठीक है। कोई भी जॉब अपडेट हो या कोई भी और भी प्रीवियस ईयर वगैरह कुछ हो तो मैं कोशिश करूंगा, जो भी मेरे पास है वो कुछ आप लोग के पास लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो देखते हैं आगे की ओर, और टेलीग्राम पे जरूर जाइएगा, ठीक है। वैसे मैं एक बात बताऊं, जब भी कोई कंपनी या कुछ भी खुलती है तो वहाँ हर वो इंजीनियर की जरूरत पड़ता है, ठीक है। मतलब एक दूसरे से लिंकअप होता है कुल मिला के, कोई भी अगर हम लोग अगर कंपनी लगाएं तो वहाँ पे हर टेक्निकल सॉरी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह इसमें भी है गैस, ठीक है। वहाँ नॉन टेक की भी जरूरत पड़ती है तो वहाँ भी क्या है गैस, देखो तो टेक्निकल वाले बच्चे हैं तो यहाँ हर वो डिपार्टमेंट की इसमें नीड होता है, ठीक है। और गैस सबका नीड अपने अपने जगह पर अलग होता है। जो CS वाले बच्चा होता है उनका काम क्या होता है कि इनका जो भी सिस्टम वाला वर्क होता है उन्हें CS वाले मतलब जो होते हैं मतलब जो भी प्रोग्रामिंग वाला काम होता है वो CS वाले के ही सौंपा जाता है। बेसिकली इसमें क्या काम है, टेक्निकल काम, जो भी आप लोग का इसमें टेक्निकल इशू आएगा वो टेक्निकल बच्चे ही बेसिकली उसको संभालते हैं, ठीक है। और कहीं भी देखते होंगे कि आप अगर कहीं भी इलेक्शन होगा तो वहाँ उनके साथ इंजीनियर जरूर होता है, ठीक है ना, हर बूथ पर इंजीनियर होता है, ठीक है। कोई भी टेक्निकल इशू है तो वहाँ पर वो चीज़ कंट्रोल कर ले। क्या होता है कि वहाँ पे जो भी होता है बिलिंग वगैरह मतलब जो भी होता है पेपर वगैरह वर्क होता है, ठीक है, वो चीज़ संभालते हैं, ठीक है। तो हर कोई एक दूसरे से मिलके चलता है, ठीक है, एक दूसरे के बिना दुनिया भी नहीं चल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सबको मिलजुल के रहना होता है। तो वहाँ भी इसीलिए हर फील्ड के बच्चे के यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। इसी तरह आप लोग को ट्रेनिंग पे ले दिया जाएगा कि बेसिकली आपको क्या काम करवाया जाएगा, ठीक है। कहीं भी इलेक्शन होता है, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि हर वो गाँव से लेकर और हर जगह पर बूथ होता है मतलब इलेक्शन का, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ये सारा आपका जो इलेक्शन का जो 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 क्या बोलते हैं इसको मशीन है EBM मशीन है वहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर का काम। तो कोई भी प्रॉब्लम या टेक्निकल इशू है तो वो तुरंत सॉल्व कर सके, इसलिए वो ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है गाइस। इसमें सैलरी का बात करें तो काफ़ी अच्छा सैलरी मिल जाता है, ठीक है। कुछ दिन के लिए ही जॉब होता है, ठीक है, 20-30 हज़ार मतलब 20-25 हज़ार मिल जाता है प्लस खाने का। जब तक आप उसके अंदर में तो आपको सेफ्टी भी दिया जाएगा। सेफ्टी मतलब देखिए इसी तरह आप लोगों का देखिए यहाँ पर काम होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और सेफ्टी मतलब ये होगा कि आपके साथ मतलब फोन मतलब जो होते हैं ना CRP वगैरह वो आप लोग के साथ रहेंगे जब तक आप उनके ऑन ड्यूटी पे हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हैं, ठीक है, कोई इसीलिए इसमें कोई ड्यूटी क्या, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। जब तक उनके आप अंदर में हैं तब तक आपको हर चीज़ का सेफ्टी प्रोवाइड कराया जाएगा मतलब एक साथ, ठीक है। और जैसे आप ड्यूटी खत्म हो जाएगा तो फिर आपको कोई ऐसा काम नहीं दिया, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। सो कुछ इस टाइप का आप लोगों को काम करवाया जाएगा बेसिकली, ठीक है। और ये इलेक्शन के टाइम ही होता है, जैसे इलेक्शन वगैरह हो जाए, वोटिंग वगैरह हो जाए, रिजल्ट वगैरह आ जाए तो फिर आपका ड्यूटी को ऑफ कर दिया जाता है, मतलब कुछ दिन के बाद मतलब जो उनका पूरा काम खत्म हो जाता है तो आप लोग के लिए ये हो जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा कॉन्टैक्ट बेसिस पर हर साल आता है, पहले ट्रेनिंग करवाया जाएगा जो भी टेक्निकल इशू होगा, ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल से रिलेटेड हो या टेक्निकल हो, सबको एक तरीका सिखाया जाए। टेक्निकल वाला बच्चे कुछ टेक्निकल चीज़ को जल्दी पकड़ता है, कैप्चर करता है, ठीक है, तो वहाँ टेक्निकल चीज़ को संभाल लेता है वो लोग, ठीक है। तो इसीलिए हर बूथ ने दिया जाता है। सो बेसिकली आई होप मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो में आप लोग को समझा पाया हूँ, खास करके मैं फ्रेशर वाले बच्चे को बनाता हूँ ताकि वो लोग समझ पाए इस वीडियो में कि बेसिकली क्या क्या काम करवाया जाता है, क्या क्या होता है, ठीक है। सो थैंक यू, और गाइस शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।